नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में ऐसा क्या चलता है कि अगर हम कुछ अपनी बात, कुछ अपने डिसीजन लेते हैं जो कि हमें अभी भी भविष्य के हुए, और हम प्रण कर लेते हैं कि हम इससे इस रास्ते से आगे बढ़े, लेकिन बाद में जाकर उस रास्ते में चलने के लिए हमें बहुत ही कठिनाई होती है। और कहीं से भी दिखता है कि देखने में आता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि वो रास्ता छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि हम जो जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, हमने गलत कर दिया, हमने अपने समय को बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर दिया हुए हैं। तो ऐसा क्या होता है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जब पहले मैं बताऊँगा चाहता हूँ कि हम जो कुछ बड़ा चीज़ कर जब करते हैं तो हमें हमेशा जल्दी रिजल्ट मिलने की जो हमें जो वो पहचान। हालांकि आजकल जैसे कि हम देखते हैं कि हमें ऐसे सोशल मीडिया हो गया कि कुछ भी चीज़ का था जो बहुत जल्दी चाहिए, हमें खाना पकाना है तो कहीं पर भी चाइनीज़ वाला रेस्टोरेंट हो चला जाते हैं, कि या कोई भजिया भजिया खा लेते हैं, हमें दाल मखनी चावल करने की पेशेंस नहीं है, तो हमें जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ जल्दी चाहिए, हम वेरी फास्ट हो गए हैं, विच इज़ गुड। लेकिन कुछ एस्पेक्ट में ये हमारा नेगेटिव एक एस्पेक्ट हमारे मस्तिष्क को एक नेगेटिव सोच भी दे देता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें जल्दी चाहिए। हमें हमें अपेक्षा जो एक प्रतीक्षा होता है उसकी जो टाइम पीरियड है हमें वे मंजूर नहीं। हमारे मस्तिष्क को हमें हमेशा रिजल्ट ज़्यादा जल्दी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हमें टेस्ट मैच अभी पसंद नहीं, हमें T20s पसंद है, क्योंकि हमें टेस्ट मैच बोरिंग लगती है। हमारे मस्तिष्क को लगता है कि कौन इतना समय बर्बाद करे, बर्बाद करके देखें। और T20 जहाँ ऐसा होता है कि अभी IPL आने वाला है, तो IPL हमें बहुत ही पसंद है, हमें एक्साइटेड है, हमें लगता है IPL 5-6 घंटे होता है तो हम देखने में क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। उसी तरह से ही हम रिजल्ट जो मज़ा है, मैं एक उधर एग्जाम्पल देता था, लेकिन हमें लाइफ में भी वो सही होता है कि हम एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य को देखते थे। हम हर कोई अपना ड्रीम देखता है, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे उतनी ही ज़्यादा उसके रास्ते में चलने के लिए कठिनाइयाँ होगी, उसके लिए मेहनत करना होगा, उतनी ही देरी में शायद किसी का जल्दी भी हो जाता होगा। लेकिन अगर जितना बड़ा अगर आप सोचोगे तो अगर मैं तो उतनी देरी से आपको उतनी ही कठिनाइयों से जाकर वो रिजल्ट को हासिल करना होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस और समय की प्रतीक्षा और अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखने के लिए, अपने मस्तिष्क को ठहरने के लिए क्षमता कम है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा उस रास्ते से हटने के लिए प्रेरणा देती है, एक नेगेटिव प्रेरणा देती है, एक ऐसी सोच देती है कि आप अपने कार्य से हमेशा हट जाते हो, और बाद में उस प्रोसेसिंग में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और आप अपने आप को हमेशा ठुकराते रहते हो। और एक स्ट्रेट माइंड फॉरवर्डनेस जो है, एक गुड कैपेबिलिटी जो माइंड सेट होता है अपने मस्तिष्क का, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, और हमें लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, बाद में जाकर ये ठीक हो जाएगा, हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के लेने वाली चीज़ नहीं है। आप जितनी अच्छी से आपके माइंड अपने मस्तिष्क को स्थिर, पहले समय में ध्यान क्यों लगाते थे, ध्यान से हमें कंसंट्रेशन जो है बढ़ता है, और हम जो अपने लाइफ में अपने लक्ष्य में अपने जो एम है वो हम सफलता के जो रास्ते हैं उसमें जाने के लिए हमें प्रेरणा देती है। इसलिए आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने हमेशा डेली एक जगह पर बैठकर, जैसे भी हो, एक स्थान के ऊपर, जैसे कि मैं अभी कैमरा को अंदर से एक अच्छी सी सांस ले, एक अच्छी सी और स्ट्रेट फॉरवर्डली पूरा उसको देखते रहें कुछ समय तक। इससे क्या होगा कि आप एक और कुछ समय देखने से आपकी थोड़ी माइंड सेट जो है स्थिर होती लगती है, और आपको शांति मिलती है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ते रहता है। अगर आप चैंटिंग कर सकते हो तो ओम टाइप जो आता है, ओम हो या कोई भी चैंटिंग मंत्र हो जो भी आप बोलते हो, तो मेडिटेशन के लिए कर सकते हो, या कभी कभी एक एक सुनसान जगह, हालांकि अपने घर पर भी एक
सुनसान जगह में एक जगह बैठ कर अपने अंदर के जो ब्रीदिंग है, जो हमारे एयर जो आता है जाता है, उसको आप ध्यान लगाओ कैसे आता है जाता है। जस्ट ध्यान लगाने से भी आपकी जो माइंड की कंसंट्रेशन है वो स्थिर होने लगती है, और ये आपकी लाइफ को एक सही ट्रैक में लाने की बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल है। और हमेशा जल्दी होना सही है, लेकिन कुछ काम स्थिर, कुछ बड़ी काम करने का बस चेष्टा करो, तो उसकी जो माइंड सेट, उसको करने का जो प्रक्रिया है वो तेज होना चाहिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उसके लिए आप व्यथित ना हो, रिजल्ट आ जाएगा, आप फिर काम करते चलिए। भगवत गीता में वो भी बताया है कि अपने कर्म में करते चलो, फल की आशा मत करो, वो फल खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।